मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद जीतू पटवारी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। निर्वाचित सांसदों को संसद से निलंबित कर दिया गया है। जिन निर्वाचन क्षेत्रों का ये सांसद प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां के लोगों के सवालों का क्या होगा? ये लोकतंत्र की हत्या है। आगे उन्होंने कहा कि मोदी के आने के बाद से 500 से ज्यादा सांसद सस्पेंड हुए हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर शुक्रवार को 146 सांसदों के निलंबन के विरोध में कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस प्रदर्शन में जीतू पटवारी ने कहा कि मोदी के आने के बाद 500 से ज्यादा सांसद सस्पेंड हुए और अब संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान अनियंत्रित व्यवहार और तख्तियां ले जाने के कारण कम से कम 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, जिनमें 100 लोकसभा से और 46 राज्यसभा से हैं। इन सांसदों का निलंबन तानाशाही है, लोकतंत्र की हत्या है। वहीं जीतू पटवारी ने कहा कि उन्हें भी बिना किसी कारण के पिछली राज्य विधानसभा की आखिरी सत्र से निलंबित कर दिया गया था, जो लोगों का अपमान था जिन्होंने उन्हें चुना था। पटवारी ने कहा कि जनता से संबंधित मुद्दों को उठाने के लिए सांसदों का निलंबन हिटलर शाही है। आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अच्छे दिन का वादा किया था, लेकिन इसके विपरीत देश भारी कर्ज में डूबा हुआ है, बेरोजगारी चरम पर है और सत्ता हासिल करने के लिए समाज को विभाजित करने की राजनीति की जा रही है। लोकतंत्र और ईवीएम से लोगों का विश्वास कम हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने लोकतंत्र के मंदिर में सवाल पूछने की जनप्रतिनिधियों की शक्ति को कुचल दिया है। विधानसभा और लोकसभा देश में मंदिर है, आज लोकतंत्र के हम इनको मंदिर के रूप में मानते हैं। इनमें जाने वाले कोई सवाल खड़े होते हैं तो उस पर पब्लिक को भरोसा होता है कि लोकसभा में सवाल खड़ा हुआ है उसका कुछ निराकरण होगा, विधानसभा में प्रश्न खड़ा हुआ है इसमें कुछ न कुछ एक्शन होगा। हमारे जनप्रतिनिधि ने, विधायक ने, सांसद ने ये सवाल खड़ा किया। भारतीय जनता पार्टी ने इस ताकत को, जनप्रतिनिधि की ताकत को चकनाचूर कर दिया। इस एहसास को मैं जी सकता हूं। पिछले सत्र में मुझे जिस तरीके से निलंबित किया गया, कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे कि इस तरीके की भावना बने कि मुझे निलंबित किया जाए। पर निलंबित किया तो ये अपमान उस समय उस क्षेत्र की जनता का था जो उन्होंने मुझे कई सवाल दिए थे। ऐसा ही संसद में अभी इतने लोगों को एक साथ निलंबित कर दिया, बाहर कर दिया, उठा कर फेंक दिया, ये क्या है? ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो इसको क्या बोल सकते? आप ऐसे ही देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ प्रदेश तक पर। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर और हाँ, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें।